भाजपा प्रदेश प्रवक्ता करण नंदा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश आनन फानन की स्थिति से गुजर रहा है। पहले कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में 619 कार्यालय को बंद किया। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे विधानसभा सत्र में शोर मचाया कि हम हिमाचल प्रदेश में पैसों की देखरेख के लिए आए हैं और खर्चा कम करने आए हैं, पर उसके दो ही दिन बाद 7 मंत्री और 6 CPS बनाने से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल दिया है। अगर मंत्रियों और CPS की गणना की जाए तो कुल मिलाकर 13 की घोषणा हुई है, जिसमें से 8 केवल एक ही संसदीय क्षेत्र को मिले, उससे पूरे प्रदेश का क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में CPS की नियुक्तियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े कदम उठाए हैं और इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है, पर हिमाचल प्रदेश में उसके बावजूद भी सरकार ने CPS बनाने की घोषणा की है। भाजपा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि डीजल पर हुई वृद्धि को भी तुरंत रोल बैक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से CPS बनाए हैं 6, ये असंवैधानिक है। जयराम ठाकुर सरकार में भी कोई भी CPS नहीं था। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 5 मामलों में जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है CPS जहां भी नियुक्त हुए थे। जैसे दिल्ली में 13 मार्च 2015 को 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए गए, 8 सितंबर 2016 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, 22 मई 2015 में छत्तीसगढ़ में CPS बनाए गए, तब रमन सिंह जी की सरकार थी, 11 MLA को बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी प्रकार से पंजाब हरियाणा में हुआ और मणिपुर में हुआ और उसके बाद आपका गोवा में भी हुआ। तो आप देखिए कि CPS जो है वो पूरे जितने भी हमारे प्रदेश है और देश में ये जो है असंवैधानिक घोषणा है, हम इसका खंडन करते हैं। इससे एक तो वित्त बोझ प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, दूसरा ये मानना चाहिए कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियां हो रही है इसमें जो है क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया है। आप देखिए 13 में से 8 नियुक्तियां प्योरली संसदीय क्षेत्र शिमला को गई है। कांगड़ा इग्नोर किया गया, मंडी इग्नोर किया गया, हमीरपुर इग्नोर किया गया। आप देखिए किस प्रकार से जो है वो असंतुलित घोषणाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। और जिस प्रकार से 619 कार्यालय बंद हुए उसमें साफ दिखाई देता है कि इनकी मंशा क्या है। इनको प्रदेश के हित की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है, इनको सिर्फ स्वभू हित दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार महंगाई चलती है, इनको समझना चाहिए और हम मांग करते हैं कि ये डिसीजन जो इन्होंने लिए तुरंत रोल बैक करें।